Hello everyone, I am Meet from Ready to Fly Institute Tarwandi Sabo. I hope you all are fine. Now, today I am talk about how we solve our reading, especially headings, okay? And today our paragraph is safe endangered language, okay? Safe endangered language. Now I'm talk about how you solve your headings, especially with the read first two or three lines. Okay, let me start. First of all, we read headings and meaning of headings, which are helpful for you to solve your reading. Okay, first of all, understand the headings, keywords, points, what the meaning of this heading. Okay, first heading is data consistency needed for language. Okay, ਇਹਦਾ meaning ਕੀ ਆ? Data consistency needed for language, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ data ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ language ਦੇ ਲਈ. Okay, data ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ language ਨੂੰ preserve ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ language ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ. Okay, second is consistency on an initiative recommendation for saving dying out language. Okay, कॉन्सीसीशंस का मतलब होंगे एग्रीमेंट, इट मीनस एग्रीमेंट. ओके, यदा मतलब होंगे एग्रीमेंट, एंड जे इनू पंजाबी आप ट्रांसलेट करिए तो यह मतलब है कोई भी एग्रीमेंट करना जिदे नाल आपां सेफ कर सकी जिहड़ियां लैंग्वेज खत्म हो चुकी हैं उन्होंने. ओके, थर्ड इज पॉजिटिव गेन्स फॉर प्रोडक्शन. पॉजिटिव गेन्स यू कैन आलसो से इनकरेज science. Positive gains for production, we can also say encourage science for production. Okay, and fourth is minimum requirement for saving a language, yani ki sanu koi zarurat a language nu save karne di ghat requirement hai. Okay, and fifth is potential threat to minority language. Okay, minority language kehdiyan hundiyan ne? Its local language. Okay, मिनोरिटी लैंग्वेज जिहड़ियां हुंदियां उन्हां आपां किहड़ियां लैंग्वेज कहने आ? लोकल लैंग्वेज, जिहड़े उत्थों दे लोक बोलदे आ, इट्स कॉल्ड मिनोरिटी लैंग्वेज. उन्हां नूं मिनोरिटी लैंग्वेज कहा जांदा जिहड़े उत्थों दे लोकल जिहड़े लोक बोलदे आ. एंड नैक्सट इज़ अ पीरियड वैन देयर वॉज एबसेंट ऑफ रियल एफर्ट्स मेड. कोई एक उन्होंने टाइम दिता होगा पर्टिकुलर जिदे विच रियल एफर्ट्स जिहड़े उन्होंने करने चाहिए से वह एबसेंट सी. एंड नैक्सट इज़ नेटिव लैंग्वेज प्रोग्राम लॉन्च्ड. कोई भी उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया होगा नेटिव लैंग्वेज नूं लैके. एंड नैक्सट लैक इन कॉन्फिडेंस इन यंग स्पीकर एज नैगेटिव फैक्टर. कॉन्फिडेंस नहीं यंग स्पीकर के कुछ किसी भी उन्होंने पर्टिकुलर पॉइंट्स नू लैके. एंड दैन नाइन्थ इज प्रैक्टिस इन सैवरल डिवेलपिंग कंट्रीज. बहुत सारे डिवेलपिंग कंट्रीज के प्रैक्टिस चल रही है. दैन वैल्यू ऑफ मिनोरिटी लैंगुएज इन लिंग्विस्टिक्स. ओके, वैल्यू ऑफ मिनोरिटी लैंगुएज यानी कि जेडे एक्सपर्ट्स ने उन्होंने मिनोरिटी लैंगुएज की वैल्यू पता सी कि की वैल्यू है उन्हों की. And next is government participation in language field. Okay, government da koi participation hoga language field de vich. It's your headings which you learn the meaning of this headings. Okay, appa sab to pehla hun punjabi de vich ida meaning vekhya ki sare headings da ki hoga. Let me start with A. Okay, सब तो पहला आप ए पढ़ांगे उदियां स्टार्टिंग लाइन्स. ओके, दैन आप उत्थों देखने की कोशिश करांगे कि आप कितना उस आंसर नूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट. ओके, देखो जिहड़ा तुहाडा ए हैडिंग आ उहदे विच पहली लाइन च उन्हां ने की किया. सब तो पहला 10 years अगो मिचल्स क्रैसिस सेंटा शटर. ठीक है, शटर वर्ड, वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ओके, शटर थ्रू द डिसप्लिन ऑफ linguistic with his prediction that half of 6000 or so languages spoken in the world would cease to be uttered with a century. Okay, जे आपां देखो uttered word दी गल करिए, uttered word का मतलब होंदा है कोई भी चीज़ जिवें आपां कहने आ रुक जाती है. ओके, एंड जे आपां shudder word की गल करिए इहदा मीनस होंदा है कंबनी छेड़ देना. ओके, कंबनी छेड़ देना जिहनूं आपां कहने आ.
ठीक है। एंड जे आप करिए अटरवर्ड की गल ओदा मतलब हुंदा है मतलब रुक जानी कोई भी चीज़। एंड जे तुसी गल करो चीज़ वर्ड की एदा मतलब भी हुंदा है स्टॉप और एंड। ओके व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स। 10 years ago 10 साल पहला मिचल क्रॉन्स ने एक सेंटा शडर एक कंपनी शेयरन वाला है ना एक कोई जो भी गल उन्हें दसी सी थ्रू डिसप्लिन ऑफ लिंग्वैसटिक लिंग्वैसटिक के थ्रू विद हिज प्रडिक्शन आपकी प्रडिक्शन के उन्हें दसी सी कि दसिया कि हाफ 6,000 का हाफ 3,000 ठीक है कि हाफ जिहड़ियां लैंग्वेज ने है ना वो उत्थों खत्म हो जाएगियाँ। सो लैंग्वेज स्पोकन इन वर्ड वुड चीज़ टू बी अटर्ड विद अ सेंचुरी। तो उन्हें बेसिकली की किया जिहड़ियां लैंग्वेज ने वो की हो जाएगियाँ स्टॉप हो जाएगियाँ या फिर आप कह सकते हैं खत्म हो जाएगियाँ। इट्स प्रिडिक्शन यानी कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने की है लैंग्वेज में की है खतरा वो खत्म हो सकती हैं। यू कैन आल्सो रीड नैक्सट लाइन फॉर बैटर अंडरस्टैंडिंग अनलैस साइंटिस्ट एंड ओके अनलैस साइंटिस्ट एंड कम्यूनिटी लीडर्स डायरेक्टेड अ वर्ल्ड वाइड एफर्ट टू स्टेबिलाइज द डिक्लाइन ऑफ लोकल लैंग्वेज ही वॉन्ट 9/10 ऑफ द लिंग्वैसटिक डायवर्सिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। हूँ इन्हों का मतलब की है पहला उन्हें कहता कि खत्म हो सकती हैं इट्स ऑनवर्स ऑफ एक्सटेंशन। ओके दैन साइंटिस्ट से कि साइंटिस्ट अनलैस साइंटिस्ट एंड कम्यूनिटी लीडर्स डायरेक्ट वर्ल्ड वाइड एफर्ट कि वह वर्ल्ड वाइड एफर्ट कर रहे हैं उस लैंग्वेज में सेव करने के लिए। तो बेसिकली आप देखा कि लैंग्वेज खत्म हो सकती है उन्हें प्रिडिक्शन की है दैन उन्होंने स्टेबिलाइज करने के लिए भी वह एफर्ट कर रहे हैं। ओके लैट वी गो फॉर हैडिंग्स दैन डेटा की देखो कोई गल नहीं हुई एग्रीमेंट की कोई गल नहीं हुई पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं हुई रिक्वायरमेंट उन्होंने दसिया नहीं। एंड दैन पोटेंशियल थ्रैट टू माइनॉरिटी लैंग्वेज माइनॉरिटी लैंग्वेज इज लोकल लैंग्वेज। ओके एंड पोटेंशियल थ्रैट खतरा। ओके एंड आप भी तो यही चीज़ पढ़ के आए हैं कि उन्होंने जिहड़ियां लैंग्वेज ने वो की हो सकदिया ने खत्म हो सकदिया ने एंड साइंटिस्ट उस चीज़ को स्टेबिलाइज करन दी भी कोशिश कर रहे हैं। उत्थों दी लैंग्वेज की गल की सी उन्हें कि हाफ वो हो जानी है इट्स आंसर इज फिफ्थ। ओके पोटेंशियल थ्रैट ओके टू माइनॉरिटी लैंग्वेज तो लोकल लैंग्वेज को खतरा है यही चीज़ उन्होंने कही थी। ओके नैक्सट वी मूव टू बी पैराग्राफ बी। यू आल्सो वैन यू मार्क आंसर यू सी ओके इन्हां दे विचों देखो हो किसी की भी उत्थे गल की ही नहीं हुई उन्होंने ठीक है। पैराग्राफ बी लैट वी स्टार्ट देखो उन्होंने की किया मैनी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ मरन ठीक है वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके गैस वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मन्योर द लॉस ऑफ रेयर लैंग्वेज। रेयर लैंग्वेज जिहड़ियां आपां गल करदे हां कि कुछ कु लैंग्वेज अपनियां हैगियां है ना रेयर बेसिकली आपां कहिंदे आ जदों आपां घट दी गल करदे हां कोई भी चीज़ है ना कोई चीज़ घट आ तो उन्होंने कहा मैनी एक्सपर्ट्स इन फील्ड वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इट्स दुखी जदों आपां कहिंदे कोई बहुत ज़्यादा दुख च है मैनी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मर्न द लॉस ऑफ रेयर लैंग्वेज कहिंदे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ना जिहड़े वो की है दुखी ने इस चीज़ तो कि कुछ क लैंग्वेज आ जिहड़ियां रेयर लैंग्वेज कुछ क लैंग्वेज आ जिहड़ियां वो खत्म हो रही हैं इस चीज़ नूं लैके वो दुखी ने फॉर सैवरल reasons बहुत सारे कारण करके टू स्टार्ट की तो करते हैं कहते अपन देयर इज साइंटिफिक सैल्फ इंट्रस्ट सम ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन इन लैंग्वेस्टिक हैव टू डू विद द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। हम देखो उन्होंने की क्या कहते एक्सपर्ट्स ने जोड़े वो की ने दुखी ने कि आ लैंग्वेज खत्म हो रही है ना बहुत सारे कारण है जिन्हों करके वो दुखी ने कि लैंग्वेज खत्म हो रही ने स्टार्ट अगे उन्होंने रीजन दिते कि आप की तो स्टार्ट कर सकते हैं। देखो हूँ उन्होंने गल की आ कि वह दुखी ने अपना सपोज आप अपनी गल करते हैं आप कहने कि आप अपने सपोज आप बारी जाने आप कहता कि आप अपनी है ना देश में छड़ के जा रहे हैं तो आप दुखी हैं सपोज तुसी दुखी हो जे तुसी दुखी हो तो ऑफकोर्स तुहानू जे उस चीज़ की वैल्यू पता तुसी फिर ही है ना जे तुहानू ये पता है कि आ चीज़ मेरे को जा रही है तो मैनू आ प्रॉब्लम होगी दैन यू फील समथिंग वी कैन से दैन यू फील है ना डिफिकल्ट टू लीव। सो इट्स मीनिंग कि जे आप किसी लैंग्वेज की वैल्यू पता एक्सपर्ट्स नू जो लैंग्वेज की वैल्यू पता फिर ही वो दुखी हो रहे हैं उस चीज़ को लैके। ओके दैन वी मूव टू हैडिंग
बट वी से ऑफकोर्स डेटर की गल नहीं हुई, किसी एग्रीमेंट की गल नहीं हुई, कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं कही, पोटेंशियल थ्रेट हो चुके हैं, पीरियड एफर्ट्स की गल नहीं हुई, नेटिव लैंग्वेज कोई प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं होया, लैक इन कॉन्फिडेंस उन्होंने कही नहीं कि उन्होंने कॉन्फिडेंस घट आ, ओके प्रैक्टिस इन सैवरल नॉन डिवेलपिंग कंट्रीज की तो गल ही नहीं हो रही, ठीक है, वैल्यू ऑफ मिनोरिटी लैंग्वेज टू लिंग्वैसटिक गवर्नमेंट गवर्नमेंट की भी गल नहीं हो रही, इट्स आंसर इज 10th वैल्यू ऑफ मिनोरिटी लैंगुएज टू लिंगुएसटिक, यानी कि लिंगुएसटिक जिहड़े हैगे ने उन्होंने वैल्यू का पता है, दैट इज़ वाई वो नहीं उसनू लीव करके उस लैंगुएज के लिए दुखी आ, कि वो खत्म हो रही है लैंगुएज, ओके ओके नैक्सट वी मूव टू नैक्सट इज पैराग्राफ डी, आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स विच आई से, यू ऑल्सो राइट डाउन दीज वर्ड्स मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स सो यू कैन ईजली अंडरस्टैंड नैक्सट, ओके Next we move to paragraph D. Paragraph D, okay, see upon already mention hai, paragraph D. What there are encouraging signs? I'm already say to you in your headings, positive signs is also we called encouraging signs, okay? It's the same meaning. What there are encouraging signs that the field has turned a corner. एंड द जो भी उन्होंने फाउंडेशन दी है जर्मन चैरिटी जस्ट इशूड इट्स सैकेंड राउंड ऑफ ग्रांट्स टोटलिंग मोर दैन $2 million हूँ कि गल हो रही है पॉजिटिव साइंस की, ओके पॉजिटिव गेन्स की, उन्होंने दसिया कि एक इनकरेजिंग साइन है फील्ड के वो एक फाउंडेशन चैरिटी कर रहे हैं टोटल इन्ने बिलियनस वो उन्होंने दे रहे हैं अगे उन्होंने सारिया चीज़ा दिखाई कि दे रहे हैं तो डायरैक्टली आई थिंक अपन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इट्स पॉजिटिव गेन फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए पॉजिटिव गेन एंड इतने सारे उन्होंने गल की है, इस तो बाद भी इट हैज़ क्रिएटड मल्टीमीडिया आके वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स इट्स मीनस डेटा हिस्टोरिकल डेटा जोड़ा कलैक्ट किया जाता सारा तो उस चीज़ न प्रिजर्व करके रखने लिए उन्होंने कहा कि जो भी डिक्शनरीज ग्रामरस सारा जोड़ा जिद डेटा रिकॉर्ड रखा जाता है, ओके तो उन्होंने सारे उस डेटे प्रोडक्ट करने की गल की सी, सो आंसर इज डायरैक्टली 3rd, ओके ट्राई टू स्मार्ट वर्क नॉट अ हार्ड वर्क बिकॉज जिन्ना इनू समझ के करोगे अगर आप पूरी चंगी तरह समझते हैं तो इट इज़ पॉसिबल यू ईजली अंडरस्टैंड रीडिंग, ओके दैन नैक्सट इज 30th पैराग्राफ ई, ओके मूव टू 30th परसन पैराग्राफ ई, देखो पैराग्राफ ई की स्टार्टिंग लाइन वट द मास्टर एप्रीशियंट्स अप्रोच हैज़ नॉट कट ऑन आउटसाइड द USA एंड हिस टन एफर्ट्स इज़ अ ड्रॉप इन द सी एट लीस्ट 440 लैंग्वेज 440 जिहड़ियां लैंग्वेज ने हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ मर हैंडफुल ऑफ एल्डर्स अकॉर्डिंग टू द एथनोलॉजिस अ कैटालॉग ऑफ लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय डैलस बेस्ड ग्रुप इंटरनेशनल, देखो ये जो ग्लोबल कवरेज तक आप देखिए तो उन्होंने ये गल की हुई है कि जो भी एफर्ट्स उन्होंने किए है ना 400 एटलीस्ट 440 लैंग्वेज ने जिहड़ियां रिड्यूस्ड हो रही हैं टू मर हैंडफुल ऑफ फॉर एल्डर्स दे विच एंड अकॉर्डिंग टू कैटालॉग लैंगुएज जिहड़ियां प्रोड्यूस्ड हो रही ने इंटरनेशनल्स दे विच है ना ग्लोबल कवरेज आ रही हैं एंड नाल ही उन्होंने दिता है कि फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दीज लैंगुएज कि ज़्यादातर मेजोरिटी है जिहड़ियां इन्हां लैंगुएज दीज लैंगुएज की देयर इज़ लिटल और नो रिकॉर्ड फॉर द ग्रामर वोकैबलरी प्रोनाउंसिएशन और यूज इन डेली लाइफ, कहते ज़्यादातर जड़ियाँ लैंगुएज ने उन्होंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई ग्रामर का रिकॉर्ड नहीं है, कोई सिलैक्टन का रिकॉर्ड कुछ भी उन्होंने रिकॉर्ड नहीं है एंड लास्ट लाइन्स दोज आर फस्ट थिंग यू वॉन्ट टू लर्न वैन यू वॉन्ट टू रीविटिलाइज द लैंगुएज रीविटिलाइज रीफ्रैश द लैंगुएज एंड रीयूज द लैंगुएज, हम बेसिकली उन्होंने की किया कि उन्होंने कोई डेटा वगैरह नहीं है तो फस्ट थिंग यही है कि तुम्हें इस चीज़ की जरूरत है, ओके तो डायरैक्टली आंसर इज फस्ट डाटा कंसिस्टेंसी नीडड फॉर लैंगुएज, ओके का दी जरूरत है डेटा की जरूरत है, ओके एंड दैन नैक्सट इज 31st पैराग्राफ एफ, 31st की जो आप गल करिए पैराग्राफ एफ यू कैन आलसो रीड फर्स्ट लाइन्स, ओके आलसो ट्राई टू रीड फर्स्ट लाइन्स ऑफ पैराग्राफ एफ, देखो पैराग्राफ एफ च उन्होंने की गल की है वट देयर इज एज जैट नो डिसप्लिन, कहते हूँ देखो उन्होंने की किया कहते कोई डिसप्लिन नहीं है
लिंगुएसटिक्स दे विच है ना, फॉर बायोलॉजी किसी भी चीज़ को लैके कोई भी उन्हों का प्लैन नहीं है ना, बट फेल्ड इन अदरस एंड देयर सीम्स टू बी नो वे टू प्रडिक्ट, कहते कोई वे नहीं है जिदे प्रडिक्ट कर सकन। ओके 20 years ago, पे अटेंशन, 20 years ago इन न्यूजीलैंड मोरियो स्पीकर सैट अप लैंग्वेज नैसट। ओके सैट अप की गल हो रही है, इट्स लॉन्च्ड लैंग्वेज नैसट इट्स प्रोग्राम एंड मोरियो ऑनली क्लासेस इज नेटिव। ओके तो एक प्रोग्राम लॉन्च करन की गल हो रही है उन्होंने विच, तो डायरैक्टली यू कैन गिव आइडिया, योर आंसर इज 7th नेटिव लैंगुएज प्रोग्राम लॉन्च। ओके आप हूँ ही पढ़ के गए हैं नेटिव क्यों, क्योंकि सिर्फ उन्होंने गल हो रही है प्रोग्राम लॉन्च, उन्होंने सैटअप किया कि प्रोग्राम का वो सैटअप कर रहे हैं, तो डायरैक्टली आंसर इज 7। ओके नाउ वी मूव टू नैक्सट पैराग्राफ जी। ओके स्टार्टिंग लाइन्स, वन फैक्टर दाइट ऑलवेज सीम्स टू अकर इन द डिमेंस ऑफ लैंग्वेज इज दाइट स्पीकर बिगन टू हैव कलेक्टिव डाउट्स अबाउट द यूजफुल ऑफ लैंग्वेज। ओके स्पीकर्स बिगन टू हैव कलैक्टिव डाउट्स, वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि जेडे स्पीकरस ने उन्होंने डाउट्स होने शुरू हो गए ने, कि जेडे स्पीकरस ने उन्होंने डाउट होने शुरू हो गए ने, यानी कि वह खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, वी कैन से कि वह खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज़ को लैके, तो दैट इज़ वाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके उन्होंने कहा ना कि उन्होंने खुद न ही डाउट कलैक्ट कर लग गए स्पीकर, तो लैक इन कॉन्फिडेंस, इस डायरेक्ट आंसर इज 8th लैक इन कॉन्फिडेंस। ओके देन वी मूव टू आर लास्ट पैराग्राफ एच। ओके पैराग्राफ एच इट्स स्टार्टिंग लाइन्स, लिंगुएसटिक एग्री डाइट, आप हूँ ही करके गए उधर एक वर्ड का मीनिंग एग्रीमेंट, लिंगुएसटिक एग्री डाइट अल्टीमेटली द आंसर द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन इज मल्टी लैंगुअलिज्म। कहते लिंगुएसटिक ने जोड़े वो भी एग्री हो गए सी कि हाँ आप लैंगुएज दॉब्लम्स नॉल्व करने के लिए मल्टी लैंगुअलिज्म होना पेगा, एंड ईवन अनएजुकेटड पीपल कैन लर्न सैवरल लैंगुएज, जो अनएजुकेटड ने उन्होंने भी लैंगुएज है ना सीख सकते हैं बहुत तरह दिया जो चिल्ड्रन तो स्टार्ट, एंड दैन अगेन उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ, इट्स एग्रीमेंट। ठीक है आप हूँ ही पढ़ते गए हैं, इट्स सैकेंड इनिशिएटिव सेइंग डेइंग आउट, तो उन्होंने कहा ना जिहड़ियां खत्म हो रही उन्होंने लैंगुएज सैट करन दे लई आपां एग्रीमेंट करना पेगा है ना, किया उन्होंने डाइंग आउट लैंगुएज, एंड इधर उन्होंने किया जिहड़ियां लैंगुएज खत्म हो रही हैं इट्स डाइंग आउट। ओके तो डायरैक्टली आंसर इज सैकेंड। ओके सो जो भी तुसी अपनी रीडिंग सॉल्व कर दो, ठीक है ऑलवेज ट्राई टू यूज ट्रांसलेट इन टू पंजाबी। ओके सब तो पहला हैडिंग्स नू समझन दी कोशिश करो, आप सब तो पहला हैडिंग्स समझे उन्हां दी की पंजाबी बनती है, उन्होंने आप किवें पैराफ्रेज कर सकते हैं, दैन मूव टू पैसेज। देखो मैं जिन्हें भी पैसेज तुहाडे सामने किए आ हर एक पैसेज दे विचों आप फस्ट लाइन चो आंसर फाइंड किया। ओके सो डोंट रीड अ होल पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ नू प्लीज़ ना रीड करो, जस्ट फोकस ऑन कीवर्ड्स, जस्ट फोकस ऑन फर्स्ट टू और थ्री लाइन्स, यू कैन ईजली अंडरस्टैंड द आंसर। ओके सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी सॉल्व द हैडिंग्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।